हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस की, जिसको कहते हैं ब्लू रे डिस्क। ठीक है, देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी, इन सब के बारे में तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो लेक्चर मैं आई बटन में भी डाल दूंगा और चैनल पे भी अवेलेबल है, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। ये भी एक स्पेशल तरह की स्टोरेज डिवाइस है और इसका नाम है ब्लू रे डिस्क। इसका नाम ब्लू रे डिस्क क्यों पड़ा, कैसी डिवाइस है, क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट विद ब्लू रे डिस्क। ठीक है, देखिए इसको, अच्छा इसको ऑफिशियली जैसे हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी लिखते हैं, ऐसे इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में इसको लिखते हैं बीडी। इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं बीडी। तो ब्लू रे डिस्क क्या है? इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम डिजाइन टू सुपरसीड द डीवीडी फॉर्मेट। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि भाई पहले सीडी आया, फिर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 600 से 700 एमबी थी, तो और ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी के लिए फिर हम लोग डीवीडी का यूज़ करने लगे। ठीक, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 600 से 700 एमबी थी, क्लियर। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मैनी जीबी में आ गई थी, मैनी जीबी। जीबी क्या होता है? गीगाबाइट। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, उसका मैं आई बटन में भी डाल दूंगा उसको, बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। तो उसमें आप जाइए तो उसमें आपको कई ऐसी यूनिट्स मिलेंगी जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, जैसे ब्रोंटो बाइट है, पेटा बाइट है, जेटा बाइट है और ये सारी चीज़ें। तो अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा एकदम। खैर, तो अब आप आ जाइए बी डी पे। तो आगे जब डी वी डी की भी स्टोरेज कैपेसिटी कम पड़ने लगी डाटा स्टोर करने के लिए, तो फिर ये ब्लू रे डिस्क का डेवलप की गई। तो ब्लू रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम डिजाइन टू सुपरसीड द डीवीडी फॉर्मेट। मतलब ये डीवीडी से भी ज्यादा ये बेटर थी जो बीडी थी। ठीक है, इसमें कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? इसमें देखिए, इसमें जो डेटा स्टोर होता था उसमें कई लेयर थी, लेयर्स, और सिंगल लेयर में, आप समझिए इस चीज को, एक लेयर में आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 25 GB डाटा स्टोर हम कर सकते थे। ठीक है, 25 GB इसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी, तो थोड़ा सिस्टम उसको छोड़ के आप ये मान के चलिए कि 23.31 GB जो है डेटा एक लेयर में, किसी ब्लू रे डिस्क की एक सिंगल लेयर में इतना डेटा हम स्टोर कर सकते थे, और इसके अंदर कई लेयर्स होती थी। ठीक, कई लेयर्स का मतलब कि एक तरह से ये आप मान लीजिए कि अगर डुअल लेयर है, डुअल लेयर, अगर दो लेयर हैं तो करीब करीब 50 GB डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और 50 GB डेटा का मतलब एक तरह से नॉर्म हो गया आपका फीचर लेंथ वीडियो डिस्क के लिए। ठीक, अब उसके बाद बात आती है कि इसका नाम ये ब्लू रे डिस्क क्यों पड़ा। ये इसलिए पड़ा कि द ब्लू रे डिस्क रिफर्स टू द ब्लू लेजर यूज टू रीड द डिस्क। इसके अंदर ब्लू लेजर लाइट का इस्तेमाल होता है, ब्लू लेजर का इस्तेमाल होता है किसके लिए? डाटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। तो इसलिए इसको ब्लू रे डिस्क कहा गया। ठीक, अच्छा उसके बाद ब्लू लेजर ही क्यों यूज करते हैं? ब्लू लेजर इसलिए यूज करते हैं कि इसमें आप डाटा जो स्टोर करते हैं वो डाटा ग्रेटर डेंसिटी, ग्रेटर डेंसिटी का मतलब ये हुआ कम स्थान में ज्यादा डाटा, तो इसलिए हम ब्लू लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रेटर डेंसिटी इज पॉसिबल। ठीक है, और अगर हम इसकी जगह पे ब्लू लेजर की जगह मान लीजिए अगर हम रेड लेजर का इस्तेमाल करेंगे तो उतना ज्यादा डाटा नहीं स्टोर हो पाएगा जितना इन केस ऑफ ब्लू लेजर होता है।
क्योंकि रेड लेजर का क्या होता है, रेड लेजर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ जनरली जिसको हम लैम्डा से दिखाते हैं वो ज्यादा होती है, किसकी, रेड लेजर की। तो वेवलेंथ ज्यादा होने से क्या होगा कि वो ज्यादा जगह लेगा तो डेंसिटी डाटा की कम हो जाएगी, तो कम स्थान में छोटे स्पेस में ज्यादा डाटा स्टोर करने के लिए इसीलिए ब्लू लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स वाई ब्लू लेजर इज यूज्ड। और चूंकि ये ब्लू लेजर का इस्तेमाल करता है इसीलिए इसका नाम ब्लू रे डिस्क रखा गया, जिसको ऑफिशियली शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या होता है कि द नेम इज डिराइव फ्रॉम द ब्लू वॉयलेट लेजर यूज टू रीड एंड राइट डाटा, ये चीज तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको डेवलप किसने किया था, इसको इट वॉज डेवलप्ड, आप सिंपली इसको लिख सकते हैं कि इट वॉज डेवलप्ड बाई ए एसोसिएशन, और उसको उसका नाम ही दिया गया था ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन, इन्होंने डेवलप किया था। और इस एसोसिएशन में मोर देन 180 मेंबर्स थे, इस एसोसिएशन में मोर देन 180 मेंबर्स थे। ठीक है, उसके बाद कुछ कंपनीज ने, जैसे डेल था, सोनी थी, एलजी थी, ठीक है, कुछ जो कंपनी, जो बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, डेल है, सोनी है, एलजी है, इन लोगों ने इसको डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ ब्लू लेजर। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें डाटा कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है, इसकी जो डेटा कैपेसिटी होती है, डाटा स्टोर करने की क्षमता, डेटा कैपेसिटी इज टू लार्ज। क्यों, क्योंकि ब्लू लेजर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, उसकी वेवलेंथ करीब करीब 405 क्या नैनोमीटर, नैनोमीटर इतनी छोटी वेवलेंथ होती है इसकी। जब छोटी वेवलेंथ होती है तो हायर डेंसिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कम जगह में ज्यादा डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए, अगर आप कहें कि ब्लू लेजर की जगह अगर हम रेड लेजर यूज करें तो क्या होगा, तो रेड लेजर का जो वेवलेंथ होती है वो होती है करीब 650 नैनोमीटर। तो देखिए इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो सेम स्पेस में ये कम डाटा स्टोर करेगा और ब्लू लेजर ज्यादा करेगा। ठीक, ये है इसका बेसिक। अच्छा, उसके बाद ये क्या कर रहा है, दिस अलाउज फॉर मोर देन ट्वाइस एज स्मॉल पिट्स एज ऑन ए DVD। तो इसमें पिट्स क्या होता है ये मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, आप उसको रिफर कीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां पे मैं शॉर्ट में बताता हूं, पिट्स मतलब आप छोटा स्मॉल गड्ढा समझ लीजिए आप, जैसे ये सरफेस है, ये हल्का सा, ये न्यूड आई से आप नहीं देख सकते हैं, तो स्मॉल जो गड्ढे होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, उनको पिट्स बोलते हैं। तो CD और DVD दोनों में डाटा पिट्स के फॉर्म में ये स्टोर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लू रे डिस्क में भी उसी में स्टोर होगा, उसी फॉर्म में। लेकिन इसमें जो पिट्स का साइज होता है, पिट्स का साइज वो DVD से भी 2 गुना, 2 टाइम्स छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा, पिट्स आर 2 टाइम्स स्मॉलर देन DVD, पिट्स आर 2 टाइम्स स्मॉलर देन DVD, इसीलिए इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इससे एक रिजल्ट ये निकल के आता है कि फाइनली आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लू रे डिस्क है, जो ब्लू रे डिस्क है उसके अंदर सिंगल लेयर DVD से
पांच गुना ज्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है, 5 times more than a single layer DVD। ये आप ध्यान रखिएगा दिस, और 5 times का मतलब एक तरह से अगर इसमें हम मान ले 5 GB तो करीब करीब ये हो गया आपका 25 GB डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक। और मैक्सिमम आप करेंगे तो 25 से लेकर आप 50 GB तक डेटा एक ब्लू रे डिस्क में आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसमें बात आती है कि डिफरेंट फॉर्मेट जैसे होते हैं ब्लू रे डिस्क में, तो देखिए जैसे पहला जो होता है आपका वो होता है BD फॉर्मेट, ठीक है। पहला आप लिख सकते हैं BD ROM, ठीक है। आपको ROM का मतलब मालूम है तो ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, ये जनरली यूज होता है फॉर प्री रिकॉर्डेड कंटेंट के लिए, ठीक है। ये आपके लिए BD ROM यूज होता है। फिर नेक्स्ट आप आ जाइए BD R, R हो गया आपका रिकॉर्डेबल, R मतलब रिकॉर्डेबल। ये यूज होता है पर्सनल कंप्यूटर के डेटा स्टोरेज के लिए। फिर नेक्स्ट आप आ जाइए BD RW, आपको मालूम है क्या होता है, रीराइटेबल, ठीक। और ये भी कहां पे, ये भी आपका पर्सनल कंप्यूटर में यूज होगा रीड और राइट के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका BD RE, ये भी है रीराइटेबल, लेकिन ये कहां पे यूज होता है, फॉर हाई डेफिनेशन HDTV रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। ये फॉर्मेट होगा इसके BD के, क्लियर। अब उसके बाद BD ROM हो गया, BD R हो गया, BD RE हो गया और BD RW हो गया, ठीक। तो अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि ब्लू रे डिस्क क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, कैसे डेवलप किया गया, कब डेवलप किया गया, किसने डेवलप किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लू रे डिस्क। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत हो सके। थैंक यू।